तुम आ जाओ, इसको लेके आओ, कुछ ना कुछ करते हैं। तुम इसको यहीं पे रखो, तो आप इसके साथ रहो तुम। मैं जाता हूँ जल्दी से मेडिकल स्टोर से। क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल? मैं जाता हूँ कुछ लेके, तो इसके लिए दवाई वगैरह। ये लो भाई। हाँ। तो यार काफी दिनों से मोटर निकालने की कोशिश जारी है और आज ना भाई ये वाली मशीन लेके आए हैं। इसकी मदद से उन्होंने कहा हम निकाल लेंगे, जो भी होगा, जितना इसमें जोर कम लगता है और नीचे से ना मोटर निकल भी आएगी, उनका कहना तो यही है। तो देखते हैं कि कामयाबी मिलती है कि नहीं मिलती। ये टूटने वाली है, टूटने वाली है। ओ भाई साहब, इसी चीज का डर था। आज नहीं निकलती तो इसका मतलब कभी नहीं निकलती। यार आज घोड़ी को हम दे रहे हैं ये वाला घास, जो गाय का नहीं होता, क्योंकि ये सूखा घास कम था और घोड़ी सूखा घास आज नहीं खा रही, तो ये वाला डाल के देते हैं। भाई ये लो नीचे घास, चलो खा के देखो, पसंद आता है तो बताओ और ले आते हैं फिर। नहीं यार, नहीं पसंद आया इसको। ये कहते हैं मुझे सब्जियां वगैरह खिलाओ, तो इसके लिए सब्जी वगैरह लेके आता हूँ, मूली गाजर वो खाएगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? तो यार अब हम कैसी को ना एप्पल और साथ में दे रहे हैं चुकंदर, जो कि कैसी बहुत शौक से खा रही है। पहले ये वाला घास नहीं खाया बिल्कुल भी, गया बिल्कुल भी नहीं खाया यार, इसलिए मैं मेहनत करके काट के लाया हूँ, देखो मेरे हाथ देखो। यार कोई नहीं, अच्छा कैसी को दो यार, एहतियात से देना, ये ना कि नीचे गिर जाए फिर बॉल है ना। बिल्कुल इसको पसंद आएगा, गिरेगा बहुत, ये जोर लगा रही है, नहीं टूट रहा इससे, इसलिए तो कह रहा हूँ इसको तोड़ के दो ना। जोर लगाओ, इतने बड़े दांत है तुम्हारे, नहीं खा पा रही, नहीं खा पा रही, इसको काटना पड़ेगा, फंस जाएगा इसको यार, इसके गले में फंस जाएगा अगर ये तोड़ के ना। नहीं फंसता नहीं है, फंसता नहीं, हो तुम्हारी तरह पागल नहीं है यार, निकल लेगी यार, खा गई है ना। नहीं ये देखो, मैं इसलिए कह रहा था ये गिरेगा, मुझे लग रहा था कि यही होगा और वही हो गया। जाया तो नहीं कर सकते इसको, उठाओ किसी तरीके उठाओ, कैसी से बच के इसको ना, तुम पहले उठाओ तो सही, ध्यान करना कैसी टांग में मार सकती है। चलो उठा लो, उठा लो, उठा लो, उठा लो। मैं तो डंडे से इसको उठा देगी, समझ रही मुझे मार रहा है। ध्यान से सिप्तान मारेगी, ए पागल ऐसे नहीं करो यार, मैं करता हूँ। अभी इसको धोना पड़ेगा, इसको धो के आओ यार, वेस्ट तो नहीं कर सकते, इतनी मेहनत से काटा यार मैंने। चलो जाओ, इस पानी में धो लेते हैं, ऐसे बिल्कुल नया हो जाएगा। चलो और इसको काटो, अब छुरी लेके आओ, काटो आधा आधा करो इसको यार। इसकी मदद से हम चुकंदर को काटेंगे हिस्सों में, फिर कैसी आराम से खा लेगी। ये देखें जैसे ये हो गया, ये लो कैसी, अब तुम खा सकती हो ये। पहले ऐसे देना चाहिए, बेचारे को तंग किया तुमने, लेकिन बाकी बहुत टाइट होगा ना। हो गया भाई, अभी अभी खून करके आ रहा हूँ। भाई ये क्या कर रहे हो, इस कार के काम देख रहे हो, तो आप अपना पूंछ खा रहे हैं। तो यार हमारे पास अभी है बहुत सारा ताजा घास, जो कि माली भाई लेके आए, चलो ले चलो यार, चलो चलो, हमारे रैबिट इसको खा के बहुत ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। चलो भी रैबिट्स। ओ भाई साहब तुराब, क्या हुआ? रैबिट बीमार है। हाँ क्या हुआ? बहुत ज्यादा तकलीफ में है, इसको उठाओ, इसको मोशन लगे हुए हैं, इसको मोशन लगे हुए हैं, इसको पेट में दर्द होगा। क्या हुआ अचानक, मोशन लगे हुए इसको बहुत, इसने क्या खा लिया, उल्टा सीधा खा लिया होगा इसने ना, पता नहीं यार तेरे इसका क्या हाल होगा। मुझे नहीं लगता है बचपन जिस तरह ये पड़ा हुआ है। इसको सिरप पिलाते हैं वो मोशन वाली। हाँ एक मिनट यार, पहले उसको तकलीफ है, दर्द है यार, सुतन पेट में, पेट में दर्द होगा ना, वीकनेस हो रही होगी इसको। खत्म है कहानी इसकी, ये देखो। ओ भाई साहब यार, हम घास लाए, बाकी रैबिट्स को घास देते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले इसका कर लें कुछ। तुराब जान निकाल रहा है। नहीं यार नहीं, तुम आ जाओ, इसको लेके आओ, कुछ ना कुछ करते हैं यार। अचानक से बेचारा प्यारा सा रैबिट है, तड़प रहा है, ऐसे लगता है कोई मस्से जाने ही वाला है, इतना कंडीशन खराब है इसकी। इसका इलाज करते हैं यार, जितना हो सकता है हम करते हैं, लेकिन कंडीशन बहुत इसकी खराब है, मुझे नहीं लगता है बच पाए यार, फिर भी हम कोशिश करते हैं, अभी बताते हैं। इधर आओ ना तुम, इसको यहीं पे रखो, तो आप इसके साथ रहो तुम। मैं जाता हूँ जल्दी से मेडिकल स्टोर से। क्या निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहा है? मर गया। उई अचानक इसको लिटा दो एक जगह पे, लिटा दो इधर इधर ही, तो आप वो जान दे रहे हैं। नहीं यार मैं जाता हूँ कुछ लेके, तो इसके लिए दवाई वगैरह। नहीं नहीं सिप्तान मर गया। नहीं यार जान जान निकाल रहे हैं, पता नहीं मोशन निकले हुए इसके, अचानक गए छत पर, ये ऐसी कंडीशन में था सिप्तान, उसकी तबीयत बहुत खराब है, वो देखो मर रहा है।
ये नहीं बच पाएगा ना, इस कंडीशन में कभी भी नहीं बच सकता जानवर। खत्म। आखिरी सांस नहीं रहा, ये ठीक भी नहीं हो सकता, नामुमकिन है। हाय यार, ये सब अचानक हुआ दोस्तों। एक मिनट के अंदर अंदर यार हम आ रहे थे छत के ऊपर, अचानक से नजर पड़ी, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, जो ही नीचे लेके गए और ये बेचारा एक्सपायर भी हो गया। इसको मेरे ख्याल में मोशन लगे हैं, कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई है। बिल्कुल ठीक था यार, बिल्कुल बीमार नहीं था ये रैबिट। हाँ ऐसे ही हमारा बीमार एक्टिव ही था इनकी तरह। ये कैसे भाग रहे हैं? बेचारा नया घर था इसके लिए, बेचारा पहले ही चला गया था। इसके इनको तो घास डालू मैं, ये तो खाए। ये लो भाई, ये लो खाओ खाओ घास खाओ। इनको तो यार कोई परवाह नहीं, इनका दोस्त चला गया है, बस क्या करें यार, जानवरों का तो होता ही ऐसे ही यार है ना। ये घास और ये घास मिक्स हो गया सिस्टम। हाँ। तो कंफ्यूज ना हो जाए फिर, ये प्लास्टिक वाला ना खाने लग जाए। नहीं नहीं, उनको जायगा ही नहीं आएगा, इसमें छोड़ देंगे, उनको तो पता है। सेम यार, कोई फर्क ही नहीं। हाँ सेम ही है। चलो इसको दफना दे सकते हैं बेचारा। फिर मास्टर केज में हम आए और यहाँ पर देखें, इनको ताज़ा दाना भी डाला हुआ है और पानी भी, और ग्रे के लिए भी फ्रूट्स भी डाल दिए हमने। और वो देखें वहाँ पर कबूतर भी खाना खा रहे हैं, मतलब सारे परिंदे खुश हैं। लेकिन बेचारे रैबिट कह रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, अचानक से मरा है ना, दिल को बहुत अजीब सा लग रहा है कि ना छोड़ के जाता है हमें। उसके बाकी साथी भी देखें कितना खुशी से खाना पीना कर रहे हैं अपना, सारे नॉर्मल है। लेकिन यार बेचारा खरगोश हमें छोड़ के चला गया। परिंदे तो हमारे बहुत ज़्यादा खुश हैं, जैसे ग्रीन रैबिट्स भी और सारे के सारे परिंदे बडीज वगैरह सब खुश है यहाँ पर। यहाँ पर ना कबूतर अपने बच्चे को खाना खिला रहा है अपने मुंह से। ओए डर गया मुझसे, मैं पीछे चला जाऊँ, पीछे चला जाऊँ, उसको खाना खिलाओ तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से। यार उसको छोड़ दिया मुझसे डर के, मैं साइड पे हो जाता हूँ। देखे यार बच्चे बड़े भी हो गए, चलो मैं दिखाई देता हूँ, खाना तो वैसे नहीं खिला रहे तुम। ये वाले देखे यार बच्चे बड़े हो गए, ये देखे। हाँ तुम्हें एक बच्चा दिखाता हूँ यार, इधर देखे क्या हुआ। ये है बच्चा, ये वाला आजा, ये वाला। यार हमारे पास कोई भी सफेद कबूतर नहीं है, कोई भी नहीं है। ये प्योर सफेद बच्चा कैसे आ सकता है यार किसी कबूतर का? ये बिल्कुल सफेद है, चिट्टा यार। ये कभी कभी हो जाता है यार, वो पिछली नस्ल पे भी चले जाते हैं यार, दादा नाना उसको भी जा सकता है ना। नहीं, नहीं, मुझे ये लगता है ऐसा भी हो सकता है। नहीं लगता यार, पता नहीं किसी और कबूतर का ना हो यहाँ पर आ गया कबूतर, जंगली कोई। जंगली कबूतर भी आते रहते हैं यार, रोते रहते हैं। ये देखें और देखें कितना खूबसूरत लग गया यार यहाँ पर जब बैठते हैं ना। ये सफेद है ना, इसका बच्चा भी हो सकता है यार, ऐसे ही तुम कह रहे थे। खैर यहाँ पर कबूतर भी हमारे बहुत ज्यादा खुश हैं, और मछलियाँ ठीक हैं। थोड़ा इनको शिफ्ट जो करना था, देखो यार मछलियाँ हमारी बहुत प्यारी लग रही हैं, लेकिन इनके कलर को चेंज करना है। नीचे ना बिल्कुल डार्क हो गया है, तो हम लाइट ब्लू करेंगे ना, फिर बहुत प्यारी लगेंगी हमारी मछलियाँ। अभी तो इतनी साफ नजर भी नहीं आ रही। होए होए, हाँ निकलती है या नहीं निकलती भाई? हाँ? कितना टाइम लगेगा मजीद? भाई नहीं निकल रही, मुझे लगता है तेल निकाल के छोड़ेंगे, बहुत नीचे चले गए यार। तीन दिनों से लगे हुए हैं भाई, अब तो निकाल दो, निकाल दो यार। सारे पाइप निकल गए हैं, मेन असल चीज वो निकल नहीं रही जो मोटर अंदर गई हुई है। भाई मेहनत तो कर रहे हैं ना, क्या करें बताओ, मैं नहीं कर रहा भाई, कर रहे हैं। मैं मुझे को दिखा रहा, वो कर रहे हैं, वो देखो। चलो यार इंशाल्लाह निकल आएगी, वेट करते हैं, शायद आज रात तक निकल आए। तुम्हारा कब से खाई जा रही है, ये दोस्तों की फिक्र ही नहीं है, हमसाय का ख्याल ही नहीं है इनको। चलो रैबिट्स के लिए रख दो, चलो 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 यहाँ पर। हाँ आ जाओ, आएंगे आप खुद, सारे आएंगे देख रहा। गैया भी वही वाला ताजा ग्रीन घास खा रही है, बहुत ही टेस्टी लग रहा है दिखने में, देखें कितना ग्रीन है, बहुत अच्छा फ्री में मिल गया हमें। मालिक को जहाँ से भी घास मिलता है ना, जहाँ जहाँ वो कटिंग करने जाता है घास, वो हमारे लिए लेके आ जाता है, क्योंकि वैसे भी वेस्ट कर देना होता है, इससे अच्छा हमारा कभी कभी काम हो जाता है, ताजा घास मिल जाता है। तो सुबह से दोस्तों रात हो चुकी है और अभी तक हमारा ये वाला काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक मोटर बाहर नहीं निकली।
पता नहीं कब ये निकलेगी दोस्तों, बस दुआ करें कि ये जल्दी से काम हो जाए और फिर हम यहाँ पर अपना पौधों शौधों को पानी दे पाएँ, क्योंकि काफ़ी मसला होता है, पानी होता नहीं है तो काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ से पाइप लेके आना, यहाँ आना, फिर पानी देना। खैर दुआ कीजिएगा जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आज यार रैबिट को अचानक से कुछ हो गया था, पता नहीं चला, हमारे जहन में नहीं था कि यार इस तरह से आज हो जाएगा हमारे साथ। बस बेचारा उसी टाइम ही एक्सपायर हो गया, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर ही एक्सपायर हो गया। तो बस आगे इंशाल्लाह हमारे बाकी वाले रैबिट्स ठीक रहेंगे, अभी तक भी ठीक हैं, तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।